more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस के पॉपुलर शो रामकरण में यूं तो ट्विस्ट एंड टर्न्स का सिलसिला थम नहीं रहा है और ना ही कहानी में ड्रामे को बढ़ाने की कोई भी कसर छोड़ी जा रही है। लेकिन अब चीज है जिसकी कसर छूट सी गई है और वो है दुश्मन की भरमार होने की, यानी कि अब जिस तरह से कहानी में दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं और अब उसी तरह से एक और दुश्मन की एंट्री शो के अंदर दिखाई जाने वाली है आपको। जी हाँ, खबर दे दें कि नामकरण की कहानी में आप बहुत ही जल्द एक ऐसा ड्रामा देखने वाले हैं जिसकी वजह से नील की जान को खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और आखिरकार एक और शख्स कहानी में ऐसा निकल कर आ जाएगा जो एक बार फिर से नील की पीठ पर छुरा भोंकने का काम करने वाला है। वेल, जानकर हैरानी हो रही होगी आपको, लेकिन अब कुछ खबरों और डेली सोप साइट्स की माने तो सीरियल नामकरण में डीडी बन सकता है आगे आने वाली कहानी का सबसे बड़ा विलन। जी हाँ, वही डीडी जो ना सिर्फ अभी तक आपको नील का एक बहुत अच्छा दोस्त दिखा है बल्कि कहानी में अवनी की भी कई बार मदद खुद डीडी ने की है और अब इस तरह से डीडी का दुश्मन बन जाना कहानी में कई तरह के बड़े मोड़ ला सकता है जो कि जाहिर तौर पर आपके होश उड़ा सकता है। लेकिन अब आखिर क्यों और क्या वजह है इस तरह एक और दुश्मन की कहानी में आने की? वेल, जाहिर तौर पर शो के मेकर्स कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं कहानी के अंदर ट्विस्ट लाने की, जिसके अंदर अब कैसी कहानी में कोई दिलचस्प मोड़ आएंगे ये देखना हो जाएगा बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।